हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज अपन क्वेश्चन नंबर 6 के आगे जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन 6 डिस्कस करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन 6 और 15 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, जो ऐसा कॉन्सेप्ट लगने वाला है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ये आपको ऐसा मिला नहीं है, ऐसा केस आपको अभी तक डिस्कस करने के लिए नहीं मिला है, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके एनसीईआरटी का कहता है कि आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, है ना, और रिलेशन क्या दिया हुआ है 1 2 2। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चलिए बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, बुक से अपन लैंग्वेज देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि शो दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसको सिमेट्रिक तो बताना है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले अपन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना। तो आपको पता है लिखने का पैटर्न मैंने बताई रखा है। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या लिखेंगे कि यदि 1 2 3 आपके सेट के एलिमेंट है तो 1 1 2 2 और 3 3 सेट को बिलोंग, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बट क्या बिलोंग करते हैं, बिलोंग नहीं करते हैं। तो आप लिख देंगे 1 1 2 2 एंड 3 3 डज नॉट बिलोंग टू माई रिलेशन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। एक तरीका तो लिखने का ये मैंने आपको बता रखा है। दूसरा तरीका लिखने का आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये सेट नाम लेते हैं। ये तरीका है, एक तरीका है, आप दोनों में से जो पैटर्न आपको अच्छा लगे आप किसी भी पैटर्न को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ए कॉमा ए सेट को बिलोंग नहीं करता है रिलेशन को। चलिए तो दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है अपना, अपन को चेक करना है आप सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक तो क्लियर दिखता है आपको, है ना, क्योंकि 1,2 रिलेशन का पार्ट है, 2,1 रिलेशन का पार्ट है। यदि दोनों ही a,b है और b,a भी है तो ये अपना सिमेट्रिक है। अब कोई बच्चा बोल सकता है सर 2,3 और 3,2 तो नहीं है, बट उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि 2,3 रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, तब मैं 3,2 के लिए चेक करूंगा। 2,3 ही रिलेशन में नहीं है तो मैं 3,2 के लिए चेक क्यों करूंगा, इफ और देन की कंडीशन होती ना। तो मैं सिमेट्रिक के लिए बोलूंगा कि 1,2 बिलोंग्स टू R, 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,1 आल्सो बिलोंग्स टू R, हेंस इट इज सिमेट्रिक, क्योंकि a,b रिलेशन का पार्ट है तो b,a भी रिलेशन का पार्ट है, दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिक। इसको लिख भी सकते हैं दैट a,b belongs to R and B, A also belongs to R for A, B belongs to my set। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन कौन सा है, वो ट्रांजिटिव ही है, क्योंकि गलती तो केवल ट्रांजिटिव में होती है, ये तो फर्स्ट तो भी सिंपल हो जाते हैं। तो हमारा ट्रांजिटिव को डिस्कस करने वाला है। तो आप यदि ट्रांजिटिव रिलेशन को देखें तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या कहती है कि यदि a,b रिलेशन का पार्ट है और b,c रिलेशन का पार्ट है तब a,c रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। यदि a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है, b कॉमा c रिलेशन का पार्ट नहीं है, तब a कॉमा c के लिए अपन चेक नहीं करते हैं, ये अपन प्रीवियस क्लासेस में देख लिया है। तो चलिए यहां पे ध्यान से देखते हैं, क्या a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है, मैं कह सकता हूं क्या, हाँ a कॉमा b तो मुझे दिखता है, क्या दिखता है मुझे 1,2 तो दिखता है, तो इसको मैं a कॉमा b कह सकता हूं। फिर b कॉमा c दिखता है क्या, हां b कॉमा c भी दिखता है, यदि मैं इसको b मान रहा हूं 2 को, तो ये b है और यहां पे मैं 1 को c मान सकता हूं, क्योंकि जो 1 है इसको मैं a नहीं कहूंगा, मैं कह सकता हूं कि 1 2 2 जा रहा है और 2 2 2 2 1 जा रहा है। तो अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है, ये कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से देखो, a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है, b कॉमा c भी रिलेशन का पार्ट है। अब आपको प्रॉब्लम क्या होगी, सर ये तो a और c इक्वल हो गए, तो बेटा a और c तो इक्वल हो सकते हैं, क्यों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे दो एलिमेंट की बात चल रही है जो इक्वल नहीं है, यहां पर दो एलिमेंट की बात चल रही जो इक्वल नहीं है, बट कौन से दो एलिमेंट हमारे इक्वल होना चाहिए, कंडीशन है केवल b और b को इक्वल होना चाहिए, दैट्स ऑल। a और c के बारे में ये नहीं बोला गया कि a और c शुड बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसीलिए ये बार-बार कह रहा हूं मैं, अलग क्वेश्चन है, अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां बच्चे गलती करते हैं। अगेन a,b डिस्टिंक्ट होना चाहिए, b,c डिस्टिंक्ट होना चाहिए, b,b सेम होना चाहिए, तब मेरा यदि a,c पार्ट आता है तब मैं कहूंगा कि हाँ इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो मैं यहां कह रहा हूं कि 1,2
is a part of a relation and 2, 1 is also the part of relation. मतलब a, b आ गया, b, c आ गया. क्या a, c part of relation है? नहीं है. मैं बोलूंगा कि 1, 1 is not a part of relation. a और b हैं, b और c हैं, but a और c नहीं है. अब बच्चे बोलेंगे सर 1, 1 तो problem हो गई. तो बेटा यही तो इंपॉर्टेंट बात है. यहाँ a और b आया, देखो ये दोनों डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, b और c भी डिस्टिंक्ट आ रहे हैं. ये तो सेम हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड से जनरेट हो रहा है ना. तो a भी आ रहा है, b, c भी आ रहा है, बट ए और सी रिलेशन का पार्ट नहीं है. दैट इज वाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव. बट जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर लिख के आ जाते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है. अगेन ए बी पार्ट है, बी सी पार्ट है, ए सी पार्ट नहीं है. तो फिर से बता रहा हूं, ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, बी और बी सेम होना चाहिए. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7. तो 7 तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको फटाफट अपन डिस्कस कर लेते हैं. तो 7 क्वेश्चन आपका कहता है, तो 7 क्वेश्चन आपका कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज इज गिवन बाय दिस एंड दिस. तो बेसिकली रिलेशन आपका क्या गिवन है, रिलेशन आपका गिवन है कि x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ बुक्स, सेम नंबर ऑफ पेजेस. आपका रिलेशन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, रिलेशन कहता है कि जो x कॉमा वाई ऐसा रिलेशन है कि x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस आना चाहिए. इसको तो मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन तो अपने बहुत सारे देख रखे हैं. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं. तो x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस आना चाहिए. तो पहले आप क्या लिखेंगे, हेडिंग फॉर रिफ्लेक्सिव, देन आप सिमेट्रिक करेंगे, देन आप ट्रांजिटिव करेंगे, है ना. पैटर्न आपको पता ही लिखने का. चलिए तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि a कॉमा ए रिलेशन का पार्ट है या नहीं है. अपन बोलेंगे a कॉमा ए इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन फॉर एवरी a दैट बिलोंग्स टू माय सेट. क्यों है ऐसा, क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कोई एक पर्टिकुलर बुक में जितने पेज होंगे उस बुक में उतने ही तो पेज होंगे. तो a कॉमा ए तो ऑब्वियसली बात है कि सेम बुक में जितने पेज है उस बुक में उतने ही पेजेस है. तो a कॉमा ए तो डेफिनेटली मेरे रिलेशन का पार्ट है ही है. बात आती है सिमेट्रिक की. तो सिमेट्रिक में आपको क्या बताना होता है, सिमेट्रिक में आपको बताना होता है यदि a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है तो b कॉमा a रिलेशन का पार्ट है या नहीं. इसका लिखने का पैटर्न मैं थोड़ा सा एक बार और वापस बताता हूं आपको. देखो तो मैं कहता हूं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब डेफिनेशन पे जाओ कि a एंड b हैज हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, है ना. दो अलग अलग बुक है उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे. अब b कॉमा a रिलेशन का पार्ट क्या होगा, b कॉमा a रिलेशन का पार्ट तब होगा जब b और a में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे. तो क्या मैं इससे कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि b एंड a आल्सो हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस. ऑब्वियस ही बात है यदि a और b में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो b और a में तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे. तो हम कह रहे हैं कि b एंड a आल्सो हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस. इसका क्या मतलब है, दैट इंडिकेट्स, है ना, ये मैं आपको सिंबल बता चुका हूं कि b कॉमा a इज आल्सो द पार्ट ऑफ. ये हो गया लिखने का पैटर्न. तो पहले आप सपोज करते हैं a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है, दैट मींस a एंड b हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस. इसका मीनिंग हो गया कि b और a में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है. इसका मतलब b और a मेरा रिलेशन का पार्ट है. इसका मतलब क्या हो गया, इस रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है. यहां तक क्लियर हो गई बात, रिलेशन सिमेट्रिक क्यों, यहां तक क्लियर हो गया सबको. ठीक, आगे बढ़ जाते हैं. अब इसके आगे, हाँ, तो अब अपन को चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है. ठीक है, तो चलिए ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं. ट्रांजिटिव के लिए जब आप चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव में आपका क्या होना चाहिए कि a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है और b कॉमा c रिलेशन का पार्ट है, तब a कॉमा c आपके रिलेशन का पार्ट होना चाहिए. तो चलिए चेक करते हैं ट्रांजिटिव. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट, तो लेट a कॉमा b इज अ पार्ट ऑफ माय रिलेशन. तो मैं लिखूंगा a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट मींस a और b में सेम नंबर ऑफ पेजेस है. फिर मैं बोलूंगा कि b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब b और c में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है. उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, आप देखें ये दो बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस है और दूसरी बुक और तीसरी बुक में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. तो तीनों बुक्स में ऑब्वियसली बात है सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा. इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ए और सी रिलेशन को बिलोंग करता है, दैट मींस इट इज ट्रांजिटिव. लिखने का पैटर्न एक बार फटाफट देख लो. तो अपन लिख रहे हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इंडिकेट्स ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस. फिर हम कहते हैं बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट इंडिकेट्स B and C also have the same number of pages. ठीक है, अब मुझे चेक है, ये तो मैंने लेट कर लिया.
अब मुझे चेक करना है कि A और C में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं या नहीं, तो मैं इन दोनों के कंक्लूजन से बोलूंगा फ्रॉम दीज टू आई कैन से दैट A एंड C ऑल्सो हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, कह सकता हूं। तो यदि A और B में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, B और C में भी हैं, तो A, B, C तीनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सपोज इसमें 10 हैं, इसमें 10 हैं, तो इसमें भी 10 ही होगा पेज। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट? दैट इंडिकेट्स A, C बिलोंग्स टू R। तो मैं कह सकता हूं कि A, B रिलेशन का पार्ट था, B, C रिलेशन का पार्ट था, A और C ऑल्सो रिलेशन का पार्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ये आपका राइटिंग पैटर्न आपको इस तरह से करना होगा, ठीक है। अब आपके आपके बुक में जो दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, विचार क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़े से अलग हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसमें एक पार्ट आपका लगा रहा है विच इज इक्विवेलेंस क्लास। तो मैं ये इस पोर्शन को इस वीडियो में अभी कवर नहीं कर रहा हूं, इसको मैंने कवर किया हुआ है इक्विवेलेंस क्लास का एक अलग से वीडियो मैंने डाला हुआ है। इक्विवेलेंस क्लास का जो वीडियो डाला हुआ है उसमें मैंने आपको पहले इक्विवेलेंस क्लास एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके साथ मैंने एग्जाम्पल 6 जो रिलेटेड है, और ये दोनों भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो ये दोनों मैं इसलिए यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप उस वाले वीडियो में जाकर इन दोनों को चेक कर लें, ठीक है, क्योंकि वो रिलेटेड है तो वहां आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11 पे। 10th तो एक एग्जांपल है, तो इसमें आपको लिखने हैं, तो ये आप खुद ही क्रिएट करेंगे और इसको आप खुद से ही ट्राई कर लें। तो 10th में तो आपको जैसे एग्जांपल्स लिख करके बताने की कौन सा रिलेशन है सिमेट्रिक है ट्रांजिट, तो आप कोई भी दो सेट लेकर इसको ट्राई कर लीजिए। तो 10th में यहाँ पे भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। 11th से अपन वापस चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है। प्लस आप वीडियोस में कमेंट और जरूर करिए, आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कोई पैटर्न समझ नहीं आता, कोई बात आपको अच्छी लगती है तो वो भी बताइए, तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई अच्छा नहीं लगता उसको बताइए, अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है शो दैट द रिलेशन इन अ पॉइंट गिवन है, और अपना रिलेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 11 कहता है रिलेशन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है और जो क्यू है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। मैंने उसको सिंबलिक फॉर्म में लिख दिया है, है ना। तो आपने क्लास 9th में अपने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी है, आपको सर्कल की डेफिनेशन याद है। सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है? तो सर्कल की डेफिनेशन कहती है कि सेंटर, सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस From a fixed point is always equal। मतलब यदि मैं एक सेंटर पे एक कोई पॉइंट बनाऊं और उसकी ये सारी जो डिस्टेंसेस मेजर करने वाला हूं मैं, तो ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल होने वाली है ना। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से जिस सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम होगी इन अ प्लेन, उसको मैं एक सर्कल कह सकता हूं। ये मेरी सर्कल की डेफिनेशन है जो मैंने 9th क्लास में पढ़ी हुई होगी, है ना, ठीक। तो यहां पे कॉन्सेप्ट में यही यूज करने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन ये पॉइंट्स इन अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी From the origin as same as the distance of the point Q from the origin, और हमको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले तो अपन इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करते हैं, फिर इसमें एक सेकेंड पार्ट और कुछ भी कहा उसको भी देखते हैं। तो चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए क्या करना है, आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसलेट करना है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल करा देता हूं मैं इसको अभी फटाफट। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बताना होगा कि जो आपको पता है कि P और Q पॉइंट को आपको सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट अस टेक अ पॉइंट ए इन द प्लेन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन। सो ऑब्वियसली बात है, मैं कह सकता हूं कि पी कॉमा पी या मैं ए कॉमा ए कुछ भी मान लू, लेट्स ए कॉमा ए या पी कॉमा पी पॉइंट मान रहा हूं, बिलोंग्स टू माई सेट। सेट कोई नाम दिया हुआ है क्या इसने? इसने सेट दिया हुआ है, इसने सेट दिया हुआ है इन अ सेट ए ऑफ अ पॉइंट। तो मैं इसको कैपिटल ए नहीं लेकर के फिर स्मॉल ए ले लेता हूं, या P या Q कैपिटल सपोज N लेता हूं। सपोज यदि मैं कह रहा हूं कि दो पॉइंट्स N, N या N कुछ भी मान सकते हैं आपकी इच्छा है, दैट बिलोंग्स टू माय रिलेशन फॉर एवरी पॉइंट N विच बिलोंग्स टू माय सेट A। अब यहां सेट A की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई, क्योंकि बेटा देखो अभी थोड़ी सी डेप्थ वाली बात बता रहा हूं मैं यहां। अब क्वेश्चन देखने में सिंपल है बट इसमें डेप्थ क्या वो बता रहा हूं। यहां पे जो सेट A बोला गया है, यहां पे जो सेट A बोला गया है, सेट A इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन बोला गया है। क्या बोला गया? इन अ प्लेन। अब प्लेन क्यों बोला गया? यहां बच्चे सोच ही नहीं पाते, सोचो प्लेन क्यों बोला गया। प्लेन इसलिए बोला गया है कि यदि यहां पे प्लेन वर्ड मेंशन नहीं करेगा तो आपका सर्कल नहीं बनेगा, आपका बन जाएगा स्फीयर। सोचो जरा इस बात को,
यदि वो प्लेन मेंशन नहीं करेगा तो यहाँ पे वो सर्कल की जगह स्फेयर बन सकता है। स्फेयर की डेफिनेशन तो यही है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन 3D जिनकी एक सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो वो स्फेयर बन जाएगा, सर्कल नहीं बनेगा, तो यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ सेट ए मेंशन करना जरूरी है। इसलिए मैंने बोला कि जो मेरा पॉइंट एन में मान रहा हूँ वो ए को ही बिलोंग करता है, मतलब वो 3D में नहीं आ रहा है। यदि वो 3D में आ गया, ऊपर चले गया, तो वो बेटा सर्कल की जगह स्फेयर बन सकता है। तो इसीलिए ये सेट है इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं कह सकता हूं कि ए को माई बिलोंग्स टू सेट माई रिलेशन फॉर एवरी पॉइंट एन दैट बिलोंग्स टू द सेट, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये तो ऑब्वियसली बात थी कि रिफ्लेक्सिव होना ही, क्योंकि एक पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस के बराबर होनी है, तो ऑब्वियस है। तो इसको तो अपन स्किप करते हैं। अब अपन आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए। सो सिमेट्रिक क्या कहता है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट देन बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू द सेट। तो सिमेट्रिक भी होने वाला है, यदि मैं कोई पॉइंट पी लेता हूं, पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस लेता हूं और एक देन ओरिजिन से पॉइंट पी की डिस्टेंस लेता हूं, तो वो तो सेम होना ही। या थ्री पॉइंट पी, यदि पी दो चीजें मान लेता हूं, तो सिमेट्रिक का तो कोई इशू नहीं है, ये सिमेट्रिक होने वाला है, क्योंकि पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस है और क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस यदि सेम है, तो क्यू इसको मैं यदि रिवर्स करूंगा तब भी होना ही, तो सिमेट्रिक में भी कोई इशू नहीं आ रहा है। मेन आ जाता है अपना ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए अपन क्या कह सकते हैं, यदि दो पॉइंट्स की पी और क्यू की अपनी डिस्टेंस सेम है सेंटर से, और क्यू और कोई तीसरा पॉइंट लेते हैं, एन लेते हैं, सेम है, तो पी और आर की भी सेम होगी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो मैं कह रहा हूँ ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या कहता हूँ, सिमेट्रिक के लिए बताने की जरूरत है। सिमेट्रिक के लिए मैं कहता हूँ कि मेरा दो पॉइंट्स है पी कॉमा क्यू दैट बिलोंग्स टू माय रिलेशन, तो ऑब्वियसली बात है क्यू कॉमा पी बिलोंग्स टू माय रिलेशन। क्यों? क्योंकि यदि पी और क्यू की डिस्टेंस सेंटर अपना ओरिजिन से सेम है, तो क्यू और पी की भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी, तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, है ना, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। मेन आ जाता है अपन ट्रांजिटिव पे आते हैं। तो मैं ट्रांजिटिव के लिए कहता हूँ कि लेट पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू द रिलेशन और q, r नेम चेंज कर देते हैं, चलो m कर देते हैं, ऑल्सो बिलोंग्स टू माई रिलेशन। तो क्या मैं कह सकता हूँ p, m ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन? क्या मैं ये कह सकता हूँ? कह सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि यदि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है, और दो अलग से दो पॉइंट्स हैं जिसमें से एक पॉइंट सेम है, उसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो थर्ड पॉइंट की तो होगी होगी। कैसे होगी करके देखते रहते हैं प्रैक्टिकली। एक पॉइंट मैंने ओरिजिन ले लिया, ठीक है, ओ, और ये मैंने पॉइंट ले लिया है पी, ये पॉइंट मैंने लिया है क्यू, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के मैंने इक्वल मान लिया, है ना, पहला केस। दूसरा केस मैंने क्या बोला है कि क्यू और एम की भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो क्यू और एम, एम को एक पॉइंट मान लो, तो एम की ओ से और क्यू की ओ से डिस्टेंस, तो तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि जो पी की ओ से डिस्टेंस है और एम की ओ से डिस्टेंस भी इक्वल है, तो ये भी वेरीफाई कर रहा है, मतलब दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। तो यदि इफ कंडीशन इन दोनों की है तो ये हैंस को बिलोंग करता है, तो वी कैन से इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों हो गया? क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसने तीनों को फॉलो कर लिया है, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब उसमें एक चीज और पूछता है, वो आगे पूछता है फर्दर, शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी व्हिच इज नॉट पॉइंट पी व्हिच इज नॉट द ओरिजिन इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज द सेंटर। अब वो क्या कहता है इसको समझो, ये थोड़ी सी डेप्थ वाली बात है। वो ये कहना चाहता है कि ऐसे सारे पॉइंट्स जो पॉइंट पी से रिलेटेड, तो यहां पे थोड़ा सा इक्विवेलेंस क्लास का भी लॉजिक आ रहा है। इक्विवेलेंस क्लास को मैंने आपको बता दिया, वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है। इस क्वेश्चन में एक बार और देखो, उसने बोला है ऐसे सारे पॉइंट्स जो पॉइंट पी से रिलेटेड है। पॉइंट पी से रिलेटेड का मतलब क्या है? तो पहले तो अपन एक ओरिजिन बना लेते हैं ना, ये मेरा ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। उसने बोला ऐसे सारे पॉइंट जो पॉइंट पी से रिलेटेड है, ठीक है, पी से रिलेटेड का मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके जो पी के डिस्टेंस है, तो आपको ऐसे सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लेने हैं जिसमें जो डिस्टेंस होगी वो ओपी के ही इक्वल होगी। तो बनाओ कहां कहां मार्क कर सकते हो, एक में अपोजिट डायरेक्शन में यहां मार्क कर सकता हूं, यहां भी मार्क कर सकता हूं, ऐसे में कई सारे पॉइंट्स मार्क कर सकता हूं। तो उसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे सारे पॉइंट्स जो पॉइंट पी से रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब जो रिलेशन को बिलोंग करते हैं, रिलेशन का मतलब क्या है कि पॉइंट पी और क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होना चाहिए। तो मतलब रिलेटिव, रिलेटेड टू द पॉइंट पी का मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंसेस हैं ये सारी ओपी के बराबर ही होना चाहिए। तो यदि अब वो कह रहा है कि यदि आप ऐसे सारे पॉइंट्स का लोगे, इनका कलेक्शन चेक करोगे, तो वो एक सर्कल बनने वाला है, तो हम कहेंगे हाँ बात सही है, ये देखो एक सर्कल बन जाता है,
क्यों? क्योंकि ये सारी रेडियस बन जाएंगी। तो आपको यहां बताना होगा कि यस ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द पॉइंट पी विल हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑलवेज, विल हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑलवेज। दैट मीन इट इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच इज द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। दैट मीन्स दिस विल बिलोंग्स टू अ सर्कल। आपको यहां पे लिख के आना पड़ेगा। ये मतलब समझ आ गया कि बिलोंग्स टू द पॉइंट पी का मतलब क्या है, रिलेटेड टू द पॉइंट पी का मतलब क्या है। रिलेटेड टू द पॉइंट पी का मतलब यहां पे हो गया कि सारे जो पॉइंट्स आपको लेने हैं अब वो ही पॉइंट लेने हैं जिनकी ओ से पी की जो डिस्टेंस थी, और ओ से अब जो पॉइंट आप लोगे वो डिस्टेंस फिक्स होने वाली है क्योंकि जो पॉइंट है वो पी से रिलेटेड है। और रिलेशन क्या कहता है, पी से ओ की डिस्टेंस क्यू से ओ की डिस्टेंस की सेम होना चाहिए। तो मेरे को जो भी क्यू आर एस जो भी पॉइंट होगा वो डिस्टेंसेस मुझे सेम रखनी थी। और आपको पता है कि मैं डिस्टेंसेस सेम रख के जो फिगर बनाने वाला हूं वो सर्कल बनने वाला है। डेफिनेशन मैंने आपको तुरंत बता दी थी कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज सेम। तो यहां पे जो क्वेश्चन ने कहा था कि क्वेश्चन ने आपके कहा था कि ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू पॉइंट पी इज अ सर्कल, एंड ऑब्वियसली बात है कि यहां पे सेंटर जो अपना ओरिजिन होगा वो सेंटर बन जाएगा। तो यहां पे आपको थोड़ा सा लिख के आना पड़ेगा सर्कल की डेफिनेशन के साथ। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया है। चलिए तो यहां पे थोड़ा सा इक्विवेलेंस क्लास का भी अपन ने देख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 भी अच्छा एग्जांपल है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है एक रिलेशन आपको डिफाइन है सेट ए में, और सेट ए आपका ट्राइंगल, सेट ए जो है वो ऑल द ट्राइंगल्स का सेट है, ठीक है। और अपना रिलेशन क्या कहता है, टी वन इज सिमिलर टू टी टू। पहला तो क्या बोला है रिलेशन, उसने बोला है कि T1 जो है वो T2 के सिमिलर होगा। रिलेशन बोलता है T1 is similar to, मैं ऐसा लिख देता हूं है ना, T1 similar to T2, ठीक है। और जो सेट A हम क्या है, ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। सेट A बोला गया आपको ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन बोला गया है, और आपको रिलेशन क्या बोला गया, रिलेशन बोला गया T1 is similar to T2। अब आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, पहले तो उसने प्रूव करना है कि अपन को ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये अपने इस पैटर्न का एग्जांपल कर चुके हैं जिसमें कॉन्करेंसी वाला था, याद हो आपको यदि प्रीवियस वीडियोस में, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन आगे और पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है कि कंसीडर थ्री राइट ट्रायंगल्स, तीन आपको राइट ट्रायंगल्स दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा नया चीज है तो इसको मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा। तो पहला राइट ट्रायंगल टी1 जो दिया गया उसके बारे में क्या बोला गया, उसकी साइड है 3 4 5, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है राइट ट्रायंगल है। दूसरा दिया गया 5 12 13, ये थोड़ा सा एक्चुअली क्या है क्लास 10 का रीकैप है ना। तीसरा राइट ट्रायंगल क्या दिया गया है, 6 8 और 10 दिया गया है। ये थोड़ा सा अपन को डिस्कस करना है, व्हिच ट्रायंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो पहला तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन नंबर 12 में कि बताओ कि यदि T1 इज सिमिलर टू T2, ये एक रिलेशन जो दिया गया है, सेट आपको दिया है ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, पहले आपको प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए पहले तो उसको प्रूफ कर लेते हैं, हालांकि हमने कर चुके हैं ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं कि हम कहेंगे कि ऑब्वियसली ट्रायंगल टी विल ऑलवेज बी सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। एक ट्रायंगल खुद के तो सिमिलर हो गई होगा, और सिमिलरिटी आपको पता है ना क्या होती है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, 10th क्लास में पढ़ा है। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तीन क्राइटेरिया हुआ करते थे आपको याद हो, AA, SSS और SAS। तो यदि तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया लगता तो अपन ट्रायंगल को सिमिलर कहते थे। तो यहां पे हम बोलेंगे कि वी नो दैट टी कॉमा टी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी टी विच बिलोंग्स टू माय सेट ए। क्यों, क्योंकि एवरी ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू इटसेल्फ। इसके पहले आप लिख सकते हैं एवरी ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू इटसेल्फ। ऑब्वियस ही बात है भाई, ट्रायंगल अपने आप के तो सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट भी होगा और सिमिलर भी होगा, ठीक है। तो हैंस इट इज रिफ्लेक्स, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए, दूसरा अपन को क्या चेक करना है, सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। तो जब आप सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे तो क्या बताएंगे आप, जब आप सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे तो हम बोलेंगे लेट टी वन इज सिमिलर टू टी टू। व्हाट डज इट मीन, इट मींस टी वन कॉमा टी टू मेरे रिलेशन का पार्ट है, क्योंकि रिलेशन कहता है टी वन और टी टू सिमिलर है। अब मुझे क्या प्रूफ करना होगा सिमेट्रिक के लिए, कि टी टू कॉमा टी वन मेरे रिलेशन का पार्ट है। तो इसके बाद में क्या कहूंगा, क्योंकि T1 जो है सिमिलर T2 से है, तो मैं क्या कह सकता हूं, T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1 कह सकता हूं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि T2 कॉमा T1 जो है दैट बिलोंग्स टू माय रिलेशन, कह सकता हूं। यदि T2 T1 के सिमिलर हो गया तो ये भी मेरे रिलेशन का पार्ट है। इसका मतलब
कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा a आल्सो बिलोंग्स टू r, तो ये सिमेट्रिक हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमको चेक करना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है ट्रांजिटिव ही है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करने वाले हम, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए हम थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं उसको। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करने वाले हैं, ट्रांजिटिव में हम बोलेंगे कि लेट टी वन कॉमा टी टू बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है कि टी वन सिमिलर टू टी टू, उसके बाद क्या बोलूंगा मैं कि टी टू कॉमा टी थ्री जो है दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R या नहीं। तो मैं बोलूंगा कि T1 यदि T2 के सिमिलर है, T2 यदि T3 के सिमिलर है, तो T1 और T3 आल्सो सिमिलर है, तो हम बोलूंगा फ्रॉम दीस टू आई कैन से T1 सिमिलर टू T2, सिमिलर टू T3। दैट मींस T1 और T3 तो सिमिलर, T1 और T3 तो सिमिलर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि T1 कॉमा T3 जो है वो मेरे रिलेशन का पार्ट है। इसका क्या मतलब है कि यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो मैं कह सकता हूं ना कि रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है, b कॉमा c रिलेशन का पार्ट है और a कॉमा c भी रिलेशन का पार्ट आ गया, तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। तो ये तो सिंपल सा था, हमने एग्जांपल की भी देखा हुआ है ऑलरेडी, आपने देखा हुआ कॉन्ग्रेंसी वाला आपने देख रखा है एग्जांपल, इसको मैं रेस करता हूं। अब जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कहता है कि अपने पास तीन ट्राइंगल के सेट दिए हुए हैं, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, देखते हैं हाँ ऑब्वियस सी बात है तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल उसने मेंशन कर दिए। अब आपको उसने मेंशन कराया है कि बताइए कि इनमें से कौन से ट्राइंगल किस ट्राइंगल के साथ रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब मेरा वाला रिलेशन। जी ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि तीनों ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है क्योंकि तीनों राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपका रिलेशन तो वो दिया गया है ना, रिलेशन क्या बोला गया है कि ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे मैं दूसरे सिंबल लेता हूँ क्योंकि T1, T2, T3 तो ऑलरेडी मेंशन है, तो मैं ले लेता हूँ TA, T1। रिलेशन को कब बिलोंग करेंगे, जब वो दोनों सिमिलर होंगे। अब आपको काम ये चेक करना है कि इनमें से कौन से दो पेयर हैं, ऐसे कौन से दो ट्राइंगल के पेयर ऐसे दिखते हैं जो आपस में सिमिलर है। तो चलिए चेक करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को देख लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है, एक एंगल तो सेम है बट साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। और आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया पता है, या तो तीनों की तीनों एंगल सेम करो या फिर साइड्स का रेशियो सेम करो। तो फर्स्ट और सेकंड नहीं है, फर्स्ट और थर्ड को भी आप देखोगे तो जो साइड्स का रेशियो देखो जरा 3/6, 4/8 और 5/10, ये रेशियो सेम आ गया। और आपको पता है तीनों साइड का रेशियो सेम होता है तो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, बताए ना आपके। तो मैं कह सकता हूं कि सिंस रेशियो ऑफ ऑल द थ्री साइड्स इज इक्वल, दैट मींस ट्रायंगल T1 सिमिलर टू T3, हेंस आई कैन से T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू माय रिलेशन, T1 T3 मेरे रिलेशन को बिलोंग करता है। अब चेक करो T2 T3 करता है क्या, इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं छोटा सा एक डायग्राम बना लेता हूं, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि साइड्स का रेशियो सेम था फर्स्ट और थर्ड में, T1 और T3 में 3/6, 4/8, 5/10 तीनों साइड्स का रेशियो सेम है, तो आपको पता है बाय एसएसएस क्राइटेरिया सिमिलर हो गए। अब छोटा सा ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या T2 और T3 भी है क्या, इसके लिए मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। तो देखिए मेरी साइड्स हो गई 5, 12, 13, इसमें साइड्स क्या है, इसमें साइड्स है 6, 8, 10, 6, 8 और 10, ठीक है। अब इसमें मैं ये चेक करने वाला हूं बेसिकली कि क्या इसमें ऐसे एस क्राइटेरिया लग रहा है नहीं, क्योंकि दो साइड्स का रेशियो तो मुझे सेम दिख रहा है, रेशियो में हो सकते हैं, मतलब देखिए जैसे ये 6 का 12 के साथ और 5 का 10 के साथ है ना, बच्चे ये गलती करते हैं मैं इसलिए बता रहा हूं। तो कोई बच्चा कह सकता है सर देखिए दो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है बात आ रहा है, और तीसरा एंगल भी सब दिया हो मुझे इक्वल है, तो हो सकता है सर ये तो सिमिलर है बाय एसएस क्राइटेरिया। बट अभी आपको याद हो एसएस क्राइटेरिया कब लगता था, एसएस क्राइटेरिया के लिए जो एंगल ए है वो दोनों साइड्स के बीच वाला होना चाहिए। तो यदि मैंने साइड्स का रेशियो लिया है, कौन सी साइड्स का रेशियो लिया मैंने, 10 के साथ किसका रेशियो ले रहा हूं मैं, इसका ले रहा हूं, और मैं किसका ले रहा हूं, 6 का 12 के साथ ले रहा हूं। अब इन दोनों में तो एंगल मेरे बीच वाला आ रहा है, दैट्स नॉट द इशू, बट इन दोनों में एंगल तो ये वाला आ रहा है और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल नहीं, तो यहां ये गलती मत कर देना, T2 और T3 को रिलेटेड मत कर देना। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है और सिमिलर नहीं है इसीलिए ये रिलेशन का पार्ट नहीं है। तो ये देखो अपने डेप्थ में थोड़ी सी बात पढ़ ली,
ये हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन 13। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें पॉलीगन की बात करेंगे। तो 13th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13th क्वेश्चन कहता है कि पहली बात तो पॉलीगन समझ लीजिए। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक एन साइडेड फिगर होता है जिसमें एन साइड्स होती हैं, वो आपस में सारी कनेक्टेड होती है ना, कहीं से गैपिंग नहीं होता, कहीं से खुला नहीं होता, दैट्स अ पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन की तो बात नहीं है, नॉर्मल पॉलीगन की बात चल रही है, मतलब साइड्स इक्वल हो सकती है, साइड्स इक्वल नहीं भी हो सकती है ना, दोनों बातें। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक रिलेशन है पॉलीगन P1 और P2 में और उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। रिलेशन क्या कहता है? P1 कॉमा P2 रिलेशन है सच दैट P1 एंड P2 हैज इक्वल साइड्स, नहीं है सेम नंबर ऑफ साइड्स। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन, क्या बोला गया है? सेम नंबर ऑफ साइड्स सेम बोली गई है। तो ठीक है, अब आपके पास पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले दो चार बातें डिस्कस कर लेते हैं। यदि मैं ट्राइंगल्स लेता हूं एक प्लेन में, तो मैं बहुत सारे ट्राइंगल बना सकता हूं, ऑब्वियस ही बात है, उसकी साइड एंगल मेरे हिसाब से कुछ भी चूज कर सकता हूं, छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल, दैट्स माय विश। बट जो सारे ट्राइंगल्स होंगे, उन सारे ट्राइंगल्स में क्या स्पेशल होगा? नंबर ऑफ साइड्स तो हमेशा सेम होंगे, ठीक है बात, ऑब्वियस ही बात है, तीन ही साइड का बनेगा ट्राइंगल, तो चाहे एंगल कुछ भी हो। ऐसे यदि मैं कोऑर्डिनेटर ले लूं, तो सारे कोऑर्डिनेटर में साइड सेम होंगी, पेंटागन ले लूं, हेक्सागन, तो एक स्पेसिफिक टाइप का यदि मैं अपना पॉलीगन लेता हूं कि नंबर ऑफ साइड्स तो सेम होने वाली है। तो अब इस क्वेश्चन में वही काम आने वाली बात है, तो उसको देखते हैं। चलिए तो पहले तो क्या बोलता है हमको, प्रूफ करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द पॉलीगन इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन को ट्राई कर लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन को ट्राई करने के लिए पहले तो हम बताएंगे कि एक पॉलीगन मेरे पास पी है, है ना, तो मैं कह सकता हूं कि a कॉमा a या p कॉमा p विल बिलोंग्स टू माय रिलेशन फॉर एवरी p दैट बिलोंग्स टू माय सेट a। सेट कौन सा दिया गया है? सेट a दिया गया है। तो मैं कहता हूं कि ऑब्वियस ही बात है, एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलीगन ले लिया मैंने जिसमें नंबर ऑफ साइड्स p है, तो उसमें p साइड है, तो p और p तो ऑब्वियस ही बात है इसको बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी। तो मैं बोलूंगा p कॉमा p बिलोंग्स टू r फॉर एवरी p दैट बिलोंग्स टू a, हेंस इट इज रियल। तो ये तो कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं था, तो सिंपल है। चलिए सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है? मैं मानता हूं कि P1 कॉमा P2 रिलेशन का पार्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि P1 एंड P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, ये लिखने का पैटर्न देख लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि P1 और P2 में सेम नंबर साइड्स है। अब इससे मैं क्या कह सकता हूं? इससे मैं कह सकता हूं कि P2 एंड P1 ऑल्सो हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई P1 और P2 में अभी पांच पांच साइड्स हैं, तो दोनों में पांच पांच ही साइड्स होंगी, बदल थोड़े जाएंगे। तो दैट मींस P1 एंड P2 आल्सो हैज द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दैट मींस कि P2 कॉमा P1 जो होगा वो रिलेशन का पार्ट हो गई होगा। तो A कॉमा B रिलेशन का पार्ट है, तो B कॉमा B भी हमने प्रूव कर दिया, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। इसी तरीके से अपन फटाफट चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं वही बात कहता हूं कि लेट P1 कॉमा P2, Let P1 comma P2 belongs to R और P2 comma P3 also belongs to R। इसका मीनिंग लिख लो चलो फटाफट। P1 comma P2 belongs to R का मतलब है कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है ना, 5 10 15 जितनी माननी है बट सेम है। ऐसे P2 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, सेम बात लिखे ना। अब इसका क्या मतलब है कि P1 और P2 में सपोज 10 साइड्स मानते हैं, तो P3 में भी 10 साइड ही होंगी, मतलब P1, P2, P3 तीनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स ही हैं। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों के कंक्लूजन से, मैं कह सकता हूं इन दोनों के कंक्लूजन से मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि दैट मींस P1 एंड P3 आल्सो हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, आल्सो हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये कह सकता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि P1, P3 जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है। यदि P1 कॉमा P2 बिलोंग करता है, P2 कॉमा P3 करता है, तो P1 कॉमा P3 भी करता है, that is why it is transitive। तो ये तो सिंपल सा हो गया था, इसमें तो कोई टफ था नहीं। इसके अलावा कुछ पूछा है क्या इसमें? हाँ, इसमें पूछा गया, इसमें पूछा गया काम की बात अब ये है कि what is the set of all the elements related to the set A, elements in A which are related to the right angle triangle T with sides 3 4 5। अगेन तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, कंफ्यूज होना नहीं है आपको। ये प्रूफ तो सिंपल था, इस टाइप के तो हमने बहुत सारे देखे हैं, कॉन्ग्रेंसी और ये सेम वही रिलेटेड है, सिमिलरिटी कॉन्ग्रेंसी वाला पैटर्न था।
ये तो हमने कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन दे रहा है, यहां बच्चे जल्दी हो जाते हैं कंफ्यूज। देखिए कंफ्यूज होते कैसे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला उसने, आपके पास ये जो सेट है, सेट है क्या आपके पास, सेट है क्या है, पॉलीगन्स इन अपने। अब उसने क्या बोला है, उसमें से उसको क्या लेना है, उसमें से उसको लेना है ट्राइंगल्स लेने हैं और जिनकी साइड्स क्या है 3 4 5। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 3 4 5 है ना, और 3 4 5 का मतलब क्या, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियस ही बात है। अब वो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर पैटर्न से रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड 3 4 5 है उससे रिलेटेड है। अब बच्चे यहां जनरली कंफ्यूज होकर आंसर क्या लिख के आते हैं इसका, राइट ट्राइंगल, क्योंकि राइट ट्राइंगल दिखता है बच्चे भी राइट ट्राइंगल आंसर लिख के आ जाते हैं, भाई राइट ट्राइंगल से लिंक होगा ही होगा। कई बच्चे साइड्स दूसरी लिख कर आ जाते हैं 6 8 10 ऐसा करके, बट वो गड़बड़ है। हमको यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो देखनी होती है कि बेटा रिलेशन की डेफिनेशन क्या दी हुई है। तो आप रिलेशन की डेफिनेशन पे जाओ, तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि P1 एंड P2 हैज द सेम नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, एंगल और उससे क्या मतलब पड़ता है साइड की वैल्यू से, नंबर ऑफ साइड्स मैटर करती है। तो कोई भी एक जो ट्राइंगल होगा उसमें तो 3 साइड ही होनी है। अब मैं आइसोसेलस बनाऊं, इक्विलेटरल बनाऊं, राइट एंगल बनाऊं, कैसा भी ट्राइंगल बनाऊं, ट्राइंगल में तो 3 ही साइड होने वाली है ना। इसका मतलब यह है कि जो उसने आपको दिया हुआ है सेट जिसमें क्या है 3 4 5 साइड्स हैं, तो कौन से ऐसे ट्राइंगल, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो इससे रिलेटेड है, तो मेरा आंसर होगा ऑल द ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर क्या होगा, ऑल द ट्राइंगल्स, क्योंकि जितने भी ट्राइंगल होंगे उनकी 3 ही साइड होंगी और 3 साइड इससे रिलेटेड है एज पर द रिलेशन, नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, All the triangles are in a plane are related to this because they have the same number of sides. तो यहाँ गलती मत कर देना कि आप right triangle answer लिख के आओ, वो पूरा correct नहीं होगा। Correct answer all the triangles in a plane है। चलिए next question देख लेते हैं। तो ये अपना एक question हो गया। अब आ जाते हैं अपन question number 14, 15 और 16। तो ये तीनों अच्छे question हैं। 15 काफी interesting question है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, क्वेश्चन 14 कहता है XY प्लेन में, अच्छा इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट 11th क्लास का भी लगने वाला है, स्ट्रेट लाइन का है ना, ये आपको याद हो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट वो लगने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक रिलेशन दिया है L1 इज पैरेलल टू L2। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, रिलेशन है L1 कॉमा L2 सो दैट L1 इज और वो आपस में पैरेलल है तब वो मेरे रिलेशन का पार्ट होगा। तो मैं कहता हूं एल कॉमा एल रिलेशन का पार्ट होगा क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो पहले आप लिखेंगे एवरी लाइन इस पैरेलल टू इटसेल्फ है ना, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ऑब्वियस ही बात है एक लाइन खुद के तो पैरेलल होगी होगी, तो दैट्स व्हाई एल कॉमा एल रिलेशन का पार्ट है। और यदि एल कॉमा एल रिलेशन का पार्ट है फॉर एवरी एल दैट बिलोंग्स टू द माय सेट ए दैट मींस इट इज रिफ्लेक्सिव है ना, ये तो सिंपल सी बात थी। चलिए इसी बात पे अपन दूसरा भी देख लेते हैं केस। एक डायग्राम बना के फटाफट बताता हूं मैं कि L1 और L2 मेरी दो लाइनें हैं। यदि L1 और L2 मेरे सेट का पार्ट है, मतलब L1 और L2 को मैंने क्या मान लिया है पैरेलल है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगी, ट्रू बात है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। लिखने का पैटर्न आपको पता ही है, आप क्या लिखेंगे सबसे पहले कि लेट L1 कॉमा L2 L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस L1 एंड L2 L1 एंड L2 बिलोंग्स टू R, दैट मींस L1 इज पैरेलल टू L2 L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1 हेंस सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। फटाफट ठीक है, फिर ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि मैंने L1 L2 और L3 तीन लाइन सपोज कर ली है, मैं कहता हूं L1 और L2 क्या है पैरेलल है, और L2 और L3 को भी मैं पैरेलल मानता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं L1 और L3 भी पैरेलल होगी, ऑब्वियस ही बात है। यदि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फर्स्ट और थर्ड लाइन तो पैरेलल होने वाली है, तो मैं कह सकता हूं कि इफ L1 L2 इज अ पार्ट ऑफ माय रिलेशन एंड L2 एंड L3 इज आल्सो द माय पार्ट ऑफ रिलेशन, so I can say yes L1 and L3 also the part of my relation, ठीक है, तो that means it is
ट्रांजिटिव एज वेल। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन सिंपल सा हो गया, यहाँ तक तो कोई बड़ी बात ही नहीं। यहाँ इस पैटर्न के तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं। अब जो क्वेश्चन में नई बात कही है, नई बात क्या कहती है उसको देख लेते हैं। उसने इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है आपको, थोड़ा सा बेटा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। 12th क्लास में 11th क्लास के काफी सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो आपको वो सारे याद रखना है। आगे जाके चैप्टर में और लगेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे वापस। पैराबोला और आपने हाइपरबोला और सर्कल की जो इक्वेशन पढ़ी हुई ना, वो सारे आपको इंटीग्रेशन एरिया ऑफ जब आप कर्व निकालेंगे तब वहां पढ़नी है, तो आप उसको भी काफी अच्छे से रिवाइज करके चले। तो अब क्वेश्चन में बोला है एक लाइन है आपके पास y = 2x + 4। क्या है लाइन y = 2x + 4। उसने क्या बोला है, अब आपको बताना है ऐसी कौन सी लाइन्स हैं जो इस लाइन से रिलेटेड है, इस लाइन से रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है, तो इसको मतलब को देख लेता हूं। इसका मतलब यह है कि आपको ऐसी सारी लाइन, रिलेटेड का मतलब क्या है, जो रिलेशन को फॉलो करता है। रिलेशन क्या है, लाइन आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि मुझे ऐसी लाइन्स यहां लिखनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। तो कैसे लिख सकता हूं मैं, आपकी भी क्लास 11th याद हो तो y = mx + c एक लाइन दी है और मुझे इसके पैरेलल लाइन लिखनी है, तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं y = 2x + c विल बी पैरेलल टू दिस वेयर c बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। इफ c इज अ रियल नंबर तो y = 2x + c will always be parallel to it। याद है आपको ये concept? अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, आपको पता है यदि m दोनों का slope same हो गया तो line तो parallel आनी आने वाली है, और y = mx + c का form आपको दिया हुआ था। तो मैं कहूंगा all the line which are related to this are y = 2x + c। c की जगह आप कुछ भी number मान लो, या c की जगह n p कुछ भी लिख दो variable, but that belongs to the real number। यहां तक clear हो गई बात, ठीक। अब अपन दो क्वेश्चन और बच गए ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनको भी क्विकली देख लेते हैं फटाफट, तो अपनी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। आई थिंक आपको वीडियो में अब तक सब कुछ समझ आ गया होगा, तो चैप्टर तो काफी कुछ ये टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ आ गए होंगे, तो 15 और 16 भी समझ आ ही जाएंगे। 15 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको सेट जो दिया गया है, सेट क्या दिया गया है, 1, 2, 3 और आपको रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, बच्चे ढूंढ नहीं पाते, ठीक है। ये आपका रिलेशन और सेट दिया, अब आपको चेक करना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैं इसमें लिखने का पैटर्न नहीं बता रहा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको लिखने का पैटर्न अब तक तो आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 मेरे सेट का रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। तो है क्या, 1, 1, 2, 2 है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सिमेट्रिक के लिए चेक करिए, तो क्या 1, 2 है, है। क्या 2, 1 है, नहीं, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। एक के लिए भी नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं होना है, तो अपन को सारा चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करिए, क्योंकि सबसे टफ आपको पता है ट्रांजिटिव भी तो होता है। अब ट्रांजिटिव जब आप चेक कर रहे हैं तो दोनों तो a कॉमा b मतलब 1, 2 दिखता है। अब 2 से स्टार्ट होकर 2, 2 है, बट 2, 2 में नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, b और c तो डिफरेंट होना चाहिए, a और c सेम हो सकते हैं बट b और c डिफरेंट होना चाहिए। तो 1, 2 दिखता है, अब 2 के साथ और कौन सा यहाँ पर चालू हो रहा है, 2 के साथ तो कोई चालू भी नहीं हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव तो हो गया, बट जरूरी नहीं अभी, क्योंकि मुझे और भी एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। तो और भी एलिमेंट चेक करो, ये तो नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ए और बी सेम है, तो इनको नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे आइए, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी, इसको नहीं लूंगा मैं, इसको लूंगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों सेम हो गए, मैंने आपको बता दिया था ये दोनों सेम ही होना चाहिए। तो मेरे पास ये दोनों केस आ रहे हैं, क्या केस आ गया, ए कॉमा बी आ गया, बी कॉमा सी आ गया, मतलब 1, 3 है और 3, 2 भी है। तो क्या 1, 2 है, 1, 2 भी है, That is why it is transitive। ये नहीं है कि सर केवल 1, 2 है और 2 के आगे कुछ है ही नहीं तो transitive है। This is the reason it is transitive। यदि theoretical question आ गया तब आपको ये show करके आना पड़ेगा। I think ये clear हो गया है। 1, 3 है, 3, 2 है और 1, 2 भी। ये B और C different होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया, तो इसका option क्या आ गया, option number B आ गया। Option B क्या कहता है कि it is reflexive but not transitive and not it is reflexive and transitive but not symmetric। तो reflexive अपने चेक कर लिया, transitive भी चेक कर लिया, but is symmetric नहीं था, तो option B इसका correct answer गया। अब simple सा question है 16, orally आप लोग वैसे तो कर लेंगे, but एक second के लिए फटाफट अपन quickly देख लेते हैं 16th question को।
60th क्वेश्चन क्या कहता है, रिलेशन आपको दिया गया है, रिलेशन आपको दिया गया है a equals to b minus 2, a equals to b minus 2 where b greater than 6 होना चाहिए। चलिए फटाफट, और ये हो गया एक और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें बेसिकली आपको ऑप्शन से ही ट्राई करना है। तो पहला केस आप देखें 2.4, तो 2.4 बिलोंग तो कर सकता है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी कि b जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो b 6 से बड़ा किस किस केस में दिया गया आपको, इसमें b ऑप्शन में दिया गया है, b ऑप्शन में दिया गया है b जो है वो 6 से बड़ा है, और c में भी दिया गया है, और आपको d ऑप्शन में भी दिया गया है ना। तो इन तीनों केसेस में मुझे b तो 6 से बड़ा दिखता है। अब मुझे चेक करना है कि क्या a इक्वल टू b माइनस 2 किस केस में आ रहा है, तो यहां तो नहीं आ रहा है, b में से 2 को माइनस करूंगा तो नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां पे आ रहा है, b माइनस 2 करने से मेरा a आ रहा है, तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर c इज करेक्ट। तो 16th का आंसर सी हो गया। तो यहां तक बेटा अब तक अपन ने क्या कवर कर लिया, अब तक अपन ने एक्सरसाइज 1.1 सारा कवर कर लिया है। अब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या चीज आपको अच्छी लगी है, क्या नहीं लगा है, कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन का आपको वापस एक्सप्लेनेशन चाहिए, कि सर आप ये भी एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट पोर्शन में करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, नहीं लगता तो बिल्कुल डिसलाइक करिए, ताकि हम और इंप्रूव करके आपको और बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन में अपन फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, गुड लक।